हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजडम जॉब्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंस्ट्रक्टर इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज इंग्लिश बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम बहुत ही नए टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं, जैसे कि आज के क्वेश्चंस जो बेस्ड हुए हैं वो बोथ ग्रामर एज वेल एज थियरी पार्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के यूज पे। तो क्या है ऐसे टॉपिक में, आज के टॉपिक बहुत ही न्यू टॉपिक है और आप ऑलरेडी हमारे इस टॉपिक को ऑलरेडी हमारे ओल्ड वीडियो में हमने रिलीज भी किया था उसके बारे में, लेकिन जो ये बेस्ड हुआ है, जो ये टॉपिक आज का बेस्ड हुआ है वह है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर। मतलब जो ये इस टॉपिक पे बेस होकर एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस SSC-CGL जो हाल ही में होने वाला है एग्ज़ाम, उसमें आने भी वाले हैं। तो आपको सबको तो पता ही है कि टायर वन के जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश के जो सेक्शन है उसमें ईच क्वेश्चन कैरीज अराउंड 2 मार्क्स। सो इफ़ यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन इन दैट पेपर, दैट इट्सल्फ इज़ अराउंड 8 मार्क्स to 10 मार्क्स तक आपकी जो क्वान्टिटी उस पर बेस्ड होती है। तो चलिए आज देखते हैं आज कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारी एक छोटी सी काम करनी होगी। हमारी जो भी नोटिफिकेशंस हैं या हमारी जो कोई भी अपडेट्स है या नए वीडियोस के फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल विस्टम जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन से टॉपिक के बेस्ड पे, आज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस्ड पे आज हम सीखने वाले हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट एक्टिव फॉर्म को, मतलब ये सेंटेंस जो दिया गया है वो आपका पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में दिया गया है तो उसको आपको सेंटेंस में एक्टिव फॉर्म में चूज कर चेंज करनी होगी। वी विल ऑल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाई दिस स्कीम। यहाँ पे देखें बाई ये है आपको, मतलब बाई का प्रेजेंस है, मतलब द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, सो ऑब्वियसली इसका एक्टिव फॉर्म आपको लेनी होगी। वी विल ऑल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाई दिस स्कीम, मतलब कोई स्कीम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है लेकिन उसका फ्यूचर में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब देखिए सारे सेंटेंसेस, ऑब्वियसली दिस स्कीम को पहले लगानी होगी, सो ऑब्वियसली यहां पे दिखते हैं दिस स्कीम आपकी पहली आएगी, दिस स्कीम, सारे इसमें दिस स्कीम है ऑलरेडी। यहां पे विल है, विल, वी विल ऑल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाई दिस स्कीम, तो यहां पे आपको विल ही यूज करनी होगी, यहां पे ऑब्वियसली विल यूज करनी होती है, तो दिस स्कीम विल, तो यहां पे ऑल बी को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस, दिस सेंटेंस विच इज गिवन एज अ क्वेश्चन टू यू इज ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस, सो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू एक्टिव वॉइस देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग और यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब ओवर देयर, सो डायरेक्टली आपको आपकी वर्ब को यूज कर सकते हो। तो यहां पे दिस स्कीम विल ग्रेटली, तो यहां पे वी विल ऑल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम, विल लिखा गया है मतलब ये फ्यूचर टेंस में है, तो यहां पे आपको फ्यूचर टेंस में लिखना होगा। ऑब्वियसली दिस स्कीम विल ग्रेटली थर्ड ऑप्शन में है, दैट इज बेनिफिट अस ऑल, यहां पे डायरेक्टली लिख लोगे आप, दैट्स इट, दिस स्कीम विल ग्रेटली बेनिफिट अस ऑल, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्यों, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी विल दिया गया है तो ऑब्वियसली विल इज द ओनली ऑप्शन, इज द ओनली हिंट विच विल हेल्प यू इन गेटिंग द राइट आंसर। सो ऑब्वियसली एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को चूज करना भी बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो या आपको पूरे समझ में आए लेकिन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो, एंड वी विल बी कमिंग अप विथ मेनी न्यू वीडियोज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ न्यू टॉपिक्स। हम बोलेंगे आपको कैसे इन जैसे टॉपिक्स को चूज करनी होंगी और कैसे इनको सॉल्व करनी होंगी विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। सो टू फॉलो अस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल विजडम जॉब्स, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक देन प्लीज डू ड्रॉप ए कॉमेंट इन आर कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।